नमस्कार दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनकी ताकतवर सरकार है, और दूसरी तरफ वो पहलवान हैं, देश की बेटियां हैं, ओलंपियन हैं, जो 11 दिनों से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह हैं, जिनकी चुप्पी है, पुलिस के तीखे तेवर हैं और लगातार डर का माहौल बनाने की कोशिश है, पहलवानों को दबाव में लाने की कोशिश है। सैकड़ों पुलिस वालों की मौजूदगी में कल देर रात में जो हुआ आप सब लोगों ने देखा और सुना, और दूसरी तरफ वो पहलवान हैं जो जंतर मंतर पर 11 दिनों से बैठे हैं और आज भी जिन्होंने कहा कि हम किसी सूरत में ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी से पहले यहां से उठने को तैयार नहीं है। आज पहलवानों ने यहां तक कह दिया, बजरंग पूनिया ने, कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें जब लगेगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है तब हम अपना मेडल वापस करने का फैसला करेंगे। मेडल वापस करने का फैसला अगर पहलवान करते हैं तो कोई छोटी बात नहीं है। देश के ओलंपियन, देश की आन बान शान, देश के वो खिलाड़ी, वो पहलवान जिन्होंने हाथों में तिरंगा लेकर दुनिया के मैदानों में भारत का परचम लहराया है, वो पहलवान अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, अगर इंसाफ को लेकर, यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार के रवैये को लेकर अपने मेडल को वापस करने का ऐलान करते हैं तो न सिर्फ सरकार के मुंह पर तमाचा होगा बल्कि एक कलंक होगा। लेकिन क्या मोदी सरकार ये तय करेगी कि अब भी अगर देर हुई है, अब भी अगर चाहे तो ब्रजभूषण शरण सिंह को प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा या अमित शाह एक फोन करें और कहें इस्तीफा दो, और दिल्ली पुलिस चूंकि संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है सख्त से सख्त कार्रवाई करे, गिरफ्तारी करे। लेकिन क्या सरकार यह करेगी जो पहलवान चाहते हैं? अब तक का रवैया ऐसा नहीं दिखता है। आज भी पहलवानों ने मीडिया के सामने बात की, अलग अलग इलाकों से लोग वहां पहुंचे पहलवानों के उस धरना स्थल पर। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी के इलाकों से सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचते रहे, दिन भर भीड़ रही। लेकिन बहुत सारे इलाकों से ऐसी खबरें आई दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, पंजाब की तरफ से या दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर, कि बहुत सारे लोग जो दिल्ली में आ रहे थे, जत्थे की शक्ल में आ रहे थे, किसान संगठनों से जुड़े लोग, उन्हें रोका गया। ऐसी तस्वीरें लगातार है, किसान नेता अभिमन्यु कोहार का ट्विटर पर वीडियो देखा कि वो जत्थे की शक्ल में आ रहे थे, कहीं उनको हरियाणा की तरफ से आ रहे थे, कहीं रोका गया। इस बीच ये भी हुआ कि पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर में सोरम की ऐतिहासिक पंचायत स्थल पर एक सर्वखाप महापंचायत हुई। उस महापंचायत में यह फैसला हुआ कि अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला, अगर सरकार ने महिला पहलवानों की, इन बेटियों की मांगे नहीं मानी, अगर बदसुलूकी करने वाले पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो 7 मई को बड़ी तादाद में सर्वखाप पंचायतों के नुमाइंदे दिल्ली पहुंचेंगे। नरेश टिकैत, जो बालियान खाप के मुखिया हैं, जिनकी मौजूदगी में सोरम की उस महापंचायत के चबूतरे पर आज बैठक हुई, खापों के नुमाइंदे मौजूद थे, वहां ये ऐलान किया गया। दूसरी तरफ बहुत सारे राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी पहुंचते रहे। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर भी पहुंचे, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुडा भी पहुंचे, कई संगठनों के लोग पहुंच रहे हैं, मानवाधिकार संगठनों के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। सबको लग रहा है कि इन पहलवानों के जो आरोप हैं वो आरोप संगीन हैं। सरकार का जो रवैया है वो इस बात का सबूत है कि सरकार ने तय कर लिया है, सरकार ने अपना पक्ष चुन लिया है कि उनके लिए बेटियां, ये पहलवान, इनके आरोप मायने नहीं रखते जितना मायने उनके लिए ब्रजभूषण शरण सिंह रखता है। और ब्रजभूषण शरण सिंह जो वहां से चंद कदम की दूरी पर जिनका घर है, ब्रजभूषण शरण सिंह जो लगातार टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देकर लगातार इन पहलवानों को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार का रवैया, पहलवानों का धरना और पहलवानों का ये कहना जो आज साक्षी मलिक ने कहा, जो आज विनेश फोगाट ने कहा, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया ने मीडिया के सामने आकर कहा, जो वहाँ जो लोग आ रहे हैं उन्होंने क्या कहा, हमारे सहयोगी उपेंद्र विशाल, अमन और कैमरा सहयोगी करण सिंह, बहुत सारे 3-4 हमारे सहयोगी वहाँ 4 लोग हैं, उन्होंने जो जिन लोगों से बात की वो सब इसी वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगा, विस्तार से आप समझें। इस बीच ये भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि उस याचिका की सुनवाई थी, जो याचिका दिल्ली पुलिस, जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तेवर को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पिछली तारीख को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने का भरोसा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसी याचिका पर सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सुनवाई के दौरान
शिकायतकर्ता को सुरक्षा देने का आदेश दिया। डीसीपी दिल्ली ने हलफनामा पेश करके कहा कि सभी को सुरक्षा प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मकसद, हमारा पर्पस एफआईआर दर्ज करने तक था, एफआईआर अब दर्ज हो गई है, इसलिए हम इस याचिका को यहां ख़त्म करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। चूंकि ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता इसलिए गए थे कि एफआईआर दर्ज हो। अचानक ये नैरेटिव बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट से पहलवानों का बहुत बड़ा झटका। उसी पर साक्षी मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कहता है कि किसी को गिरफ्तार किया जाए। सही बात है। वो उसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, लोकल निचली अदालत में क्या फैसला हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में जाए, हाईकोर्ट या ट्रायल कोर्ट में जाए। इसलिए साक्षी मलिक ने कहा, यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम निराश हो गए, ऐसा नहीं है। ये भी हुआ कि जो पहलवानों के वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल को शिकायतकर्ता थाने पहुंचे, शिकायत की रसीद देने में पुलिस ने 2 घंटे लगाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद 28 तारीख को एफआईआर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक के हवाले से बता रहा हूं, वेबसाइट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस ने अभी तक सभी पीड़िताओं के बयान क्यों नहीं दर्ज किए, कब इनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जाएंगे। तो सॉलिसिटर जनरल ने सफाई दी, कहा 7 शिकायतें थी, शिकायतें दर्ज करने में समय लगता है, लेकिन इस मामले को देखा जा रहा है। तो ये तो हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अब एक तरह से ये याचिका बंद हो गई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को न्यायिक मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट के पास राहत के लिए जाने के लिए याचिकाकर्ता स्वतंत्र है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये अध्याय खत्म हुआ। लेकिन उस जंतर मंतर की उस जमीन पर, उस जगह पर पहलवान आज भी बैठे हैं। कल रात में जो कुछ हुआ देश और दुनिया ने देखा, जिस ढंग से सैकड़ों पुलिस वालों की मौजूदगी में, जिस ढंग से पुलिस वालों ने बदसलूकी की कुछ पहलवानों के साथ जो उनके आरोप हैं, बहुत सारे वीडियो कल रात से सुबह तक वायरल हुए। मैंने अपने वीडियो में सुबह भी विस्तार से बताया कि किस ढंग से पहलवानों का जो धरना है उसके चारों तरफ के जो गेट हैं, वहां पहुंचने के सड़क हैं, गेट नहीं सड़क हैं, उन सड़कों को पूरी तरह से बंद किया गया था, मोर्चा लगा दिया था पुलिस ने। मैं भी 3 घंटे तक था, कहीं किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। अगर कोई वीडियो बना रही थी साक्षी जोशी जैसी रिपोर्टर जर्नलिस्ट, यूट्यूब पर उनका चैनल है, तो उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको एक तरह से टांग कर हिरासत में लिया गया, बस में लाद कर ले जाकर थाने में छोड़ दिया गया 2 बजे रात। ये भी मैंने विस्तार से वीडियो में बताया। और ये सब अगर दिल्ली पुलिस कल रात कर रही थी, जाहिर है इसके लिए ऊपर से निर्देश होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे अमित शाह के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन। दिल्ली पुलिस के वो तेवर, कल रात सैकड़ों की तादाद में पुलिस वालों की मौजूदगी, और उसके बाद सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई ऐसा रुख नहीं दिखता कि सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में किसी तरह की सख्ती का आदेश या सख्ती के सिग्नल देने जा रही। तो सवाल यही उठता है कि यहां से पहलवान क्या करेंगे, कब तक बैठेंगे। पहलवान कह रहे हैं हम उठेंगे नहीं जब तक गिरफ्तारी होगी नहीं। बहुत बड़ी तादाद में समर्थकों के ट्वीट्स, इस आंदोलन में पहलवानों का पक्ष रखने वाले बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, वहां भी पहुंच रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी है, इसका एहसास उन पहलवानों को भी है। क्योंकि लड़ाई किससे है, मोदी सरकार से है, लड़ाई उस सरकार से है जो 13 महीने तक, जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, जब लगा कि उनके गले की हड्डी की तरह यह आंदोलन गले में फंस गया है, और जब यूपी में चुनाव होने वाला था तब वो झुके। तो क्या ये पहलवान उतनी लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मैं लगातार जहां आंदोलन हो रहा है, जहां धरना है, वहां मैं जाता रहूंगा, जो देखूंगा वो दिखाता रहूंगा। अब मैं चाहता हूं वो वीडियो जिसमें हमारे सहयोगियों ने कुछ वहां जो मौजूद किसान नेता थे, कार्यकर्ता थे, किसान संगठनों से जुड़े लोग थे, जो इस पहलवानों की इस लड़ाई में साथ देने आए थे, वो क्या कह रहे हैं उसको भी सुनिए, और पहलवानों ने क्या कहा वो भी सुनिए वीडियो के अगले हिस्से में। अरे क्या कहे उसके बारे में, गंदा आदमी, ऐसे आदमी का जिस इंसान का इल्जाम लग जाए ना उसको तो शर्म आनी चाहिए वैसे भी, और वो बेशर्म आदमी फिर बोल रहा है। हमारे समाज के अंदर ये नीति है, अगर किसी इंसान पर इल्जाम लग जाए ना वो बेचारा घर के अंदर बैठ जाता, मर जाता अपने आप, शर्म से मर जाता है। बहु बेटियां उसके भी हैं और ये बहु बेटियां उसी की हैं, उसको शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो निहायत बेशर्म आदमी है कि आज भी खुल का बोल रहा, घटिया और नीच की हद है सारी सारी कुछ। सरकार को चाहिए तो ये था कि इनके बीच में आवर की समस्या का समाधान करे, और सरकार ने उसकी बजाय इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। लठ से किस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता,
लठ से, जोर जबरदस्ती से, ताकत से किसी आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। और ये उसी की बदौलत है जो रात घटना घटी। हमारे पास रात बजे पता आया कि यहाँ घटना घट चुकी है और सवेरे 6 बजे एक ही जिले से 100 आदमी रेलवे स्टेशन के ऊपर थे आने के लिए और 9 बजे हम यहाँ पर थे। और आज पूरे देश के अंदर रोष है और जो हमारे बड़े नेता है सिर्फ उनके हुक्म का इंतजार है एक बार, नहीं तो जो किसान आंदोलन था ना वही किसान है, वही ट्रैक्टर है, वही लोग हैं, सारा कुछ वही दिल्ली है, वही सड़कें हैं, वही हाल होगा दोबारा फिर। और इसी घटना को देखते हुए आज इस वक्त मुजफ्फरनगर के अंदर आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, फैसला क्या होगा देखेंगे। और 6 तारीख को हरियाणा के अंदर जो हमारा हेड ऑफिस है भारतीय किसान यूनियन का पानीपत के अंदर, 6 तारीख को वहां मीटिंग बुलाई गई है, उसके अंदर सख्त फैसला लेंगे। इसलिए हमारा कहना है सरकार बाज आए, सरकार अपना काम करे, लट से काम नहीं चले। देखिए वो जो कल बारिश की वजह से जो बिस्तर भीग गए थे खिलाड़ियों के, तो उन्होंने चारपाई, फोल्डिंग चारपाई मंगवाई थी, जिसकी वजह से वो जो फोल्डिंग चारपाई का जो आया था यहाँ पे टेम्पो आया था, तो जब महिला खिलाड़ी उसमें से अपनी चारपाइयाँ उतार रही थी तो कुछ पुलिस के वहाँ पे जवान वहाँ पे आए और उनको रोकना शुरू कर दिया। पहले तो वो गाड़ी वालों को वहाँ से हटाना चाह रहे थे, ड्राइवर को डरा रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें अपनी चारपाई उतारने दीजिए, तो जो बेटियाँ उतार रही थी पुलिस वाले वापस डाल रहे थे, तो पुलिस वालों ने बहुत जोर जबरदस्ती की और कई 2 भाइयों को चोट भी लगी हमारे, उनका सिर टूट गया, एक भाई के यहाँ गर्दन पर चोट लगी जिसकी गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन है। और सबसे गंदी बात पुलिस वालों ने जो घिनौनी हरकत की है, पुलिस के जो पुरुष थे उन्होंने हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को धक्का मारा है और उनको इतनी गंदी गालियां दी हैं, उनके बाल पकड़े हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो पुलिस की जो घिनौनी हरकत है उसके लिए कमिश्नर से कहना चाहूँगी कि अपनी पुलिस को समझाएं और जांच कराएं, क्योंकि बेटियों ने बताया कि वहाँ पे पुलिस वाले जो थे वो शराब पिए हुए थे, तो कम से कम उनकी जाँच होनी चाहिए। और जो आज तक बेटियाँ सोच रही थी कि जो पुलिस वाले खड़े हैं वो तो हमारी सुरक्षा में हैं, लेकिन अभी तक तो हम नेताओं से बचाते आ रहे थे बेटियों को, अभी कल की जो हरकत हुई है उसके बाद तो हमें ऐसे लग रहा है कि पुलिस से भी अपनी बेटियों को बचाना पड़ेगा हमें। तो ये देश का दुर्भाग्य है, जिन बेटियों को देश ने मान सम्मान दिया, बेटियों ने भी देश का बहुत नाम ऊँचा किया, उन बेटियों के उनके देश की पुलिस उनके ऊपर हाथ डाल रही है, ये सच्ची देश का दुर्भाग्य है। कई लोगों को कल रात हिरासत में भी लिया गया, बहुत सारे लोगों को लिया गया, जैसे यहाँ से वीडियो वायरल हुई यहाँ से बेटियों ने लाइव डाला, उसके बाद लोग अपने अपने घरों से चल पड़े कि हमें बेटियों के सम्मान के लिए वहाँ पहुँचना। और यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँचे, जंतर मंतर के 4 रास्ते इन्होंने बंद कर दिए थे, बैरिकेड तक लोग आए, नारे लगाए, उसी टाइम उनको डंडे मार मार के ये बसों में भर भर के कहीं दूर दूर जा जा के थानों में छोड़ के आ गए। बहुत सारे हमारे राजस्थान से भी पहुँच चुके थे, हरियाणा से भी, यूपी से भी, और हमारी वो जो महिला आयोग की वो अध्यक्ष है उनको भी इन्होंने डिटेन किया, हाँ जी, और ये हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा जी उनको भी डिटेन किया। बहुत सारे लोगों को हमारे किसान भाई भी समर्थन में आए थे, सबको बसों में भर भर के ले जा रहे थे। हमारे पास हम 20-22 लोग यहाँ अंदर बचे हुए थे और सुबह तक इन्होंने किसी को भी एक भी बंदे को हमारे पास नहीं आने दिया गया, यहाँ तक कि साक्षी के फादर सुबह जब आए तो उनको 2 घंटे बाहर वेट करना पड़ा। जब साक्षी खुद बाहर गई और साक्षी ने हल्ला गुल्ला किया तब उनके फादर को अंदर आने दिया, 2 घंटे उनके फादर बाहर खड़े रहे, उनके फादर को अंदर नहीं आने दिया। क्या यहाँ कोई आतंकवादी बैठे हुए थे क्यों, क्या हमें कोई कैद करके रखा हुआ था? और चारपाई तो मंगवा रहे थे ना बेटियाँ, चारपाई तो उतार रहे थे, कोई बम तो नहीं था उसमें, कोई गोला बारूद तो नहीं था, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी कि जो जंतर मंतर पे हम कब्जा कर लेंगे या जंतर मंतर भस्म हो जाएगा उस चीज़ से? चारपाई या रजाई बिस्तर बच्चे मंगाएं तो क्या ये हमारा हक नहीं बनता? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके सरकार को संज्ञान लेना होगा इस पर, क्योंकि खिलाड़ी अभी अकेले नहीं है, पूरा देश खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। और जब तक जिस पे आरोप लगे हैं बृजभूषण पे उस पर निष्पक्ष जांच करके और जब आरोप सिद्ध होते हैं उनको सलाखों के पीछे नहीं डाल देते, खिलाड़ियों का धरना जारी रहेगा। और जब तक खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं पूरा देश का समर्थन उनके साथ है। आंदोलन ये कहना चाहूँ, ये गुंडा की सरकार है, ये गुंडागर्दी करे बिना नहीं रहते। हमें तो कहते हैं शांतिपूर्वक काम करो, हम शांतिपूर्वक काम करें, हमारे बम फोड़ना रहे के हमारे सारे धरने जितने भी हमारे लाग रहे हैं ट्रैक्टर ट्रेली सभी को रोका जा रहा है। हम भी बड़ी मुश्किल से निकल कर घूम घूम के 1-1.5 घंटे से हम जंतर मंत्र पे घूम रहे हैं, हमें अंदर नहीं आने दे रहा, क्या था हम यहाँ पर बम फोड़ना रहे हैं? ये गुंडागर्दी की सरकार चल रही है। श्याम ने हमारी बेटियाँ यहाँ पर अकेली थी तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और हमारी बेटियों के साथ आपने पता भी
मीडिया तो यहीं पे थी, उन्हें देखा भी होगा भी के करे हूं हमारी बेटियों के साथ झड़पा झड़पी भी करी है। पुलिस प्रशासन है जो वो पिया और भी था, हमारे बहुत से साथियों को चोट भी आई है। आज हम अपनी बेटियों के सपोर्ट में आए हैं और आज अकेला ना समझे प्रशासन बेटियों को, ये इज्जत बेइज्जती की, आज हमारी इज्जत की बात आई है तो हम अपनी इज्जत के लिए जान भी दे देंगे। आप जानो हो पलम भी महिला की इज्जत पे एक दुपट्टा खींच जाता था, माँ भारत होगी थी, ये तो हमारी बहुत बड़ी बात है। तो प्रशासन को भी और सरकार को भी हम खुली चेतावनी देना चाहते हैं, इन बातों ने हल्के में ना ले कि हल्के में लेके बैठ जाओ, ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। प्रशासन को हम फिर से चेतावनी दे रहे हैं, या तो सुधर जाए न तो सुधार देंगे। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन दुर्भाग्यवश आज जिस सांसद के ऊपर आरोप लगे हैं वो सांसद जो है एसी रूम में बेड पे सो रहा है, लेकिन हमारी बच्चियां, देश का मान सम्मान जो आज सड़कों में पड़ा है और कल बारिश होने की वजह से वो शाम को एक बेड ले आए और उस बेड को लेके दिल्ली पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, ये इससे बड़ी दुर्घटना, इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है। इससे यही प्रतीत होता है कि सरकार जो है घबराई हुई है और किसी न किसी तरीके से झगड़ाबाजी करा के, तनावबाजी करा के, किसी प्रकार का और इस तरह का इंसिडेंट करके वो धरने को समाप्त करना चाहती है। लेकिन ये दुर्भाग्यवश है कि जो सांसद कह रहा है कि मोदी जी अगर कह दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी किस डर में है, क्यों डर रहे हैं वो एक सांसद से कि उनको इस्तीफा देने के लिए नहीं कह रहे। और बार बार प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि परिवारवाद परिवारवाद, जहाँ भी जाते हैं परिवारवाद, और ये उनको परिवारवाद नहीं दिखता। एक जो फेडरेशन है उसमें 5-5 सदस्य है, एक ही परिवार के पदाधिकारी हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? इस परिवारवाद के बारे में क्या हमारे मोदी जी कहेंगे, क्या अमित शाह जी कहेंगे, क्या जेपी नड्डा जी कहेंगे? हम तो यही कहेंगे इससे बेशरम पार्टी और इससे बेशरम नेता हमारे देश में नहीं है। जो हमारे देश का गौरव है, जो हमारे देश का झंडा, तिरंगे झंडे को विदेशों में जाकर अपनी कड़ी मेहनत से ऊंचा करते हैं, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ाते हैं, आज वो सड़कों में पड़े हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई नहीं। बड़े शर्म की बात है, प्रधानमंत्री को शर्म आ जाना चाहिए। हमारे यहाँ गाँव में अगर किसी पर लड़की का झूठा इल्जाम लग जाए, लड़की छेड़ने का, वो आत्महत्या कर ले। हम तो उसे ब्रजभूषण सिंह को एक बात कहे, अगर झूठा है तो आत्महत्या कर ले, झूठा है तो आत्महत्या कर ले, जो सच्चा है। और जो गंदा आदमी हो, जो लुच्चा हो, वो तो बेशरम हो, वो तो घूमता ही रहे। अगर झूठा है तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, बिल्कुल भी झूठा आरोप नहीं है ये। बिल्कुल जो रात इतनी जाजती हुई, शर्म नहीं आ रही प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री कह रहा है बेटी बचाओ बेटी, ये बेटी नहीं है जो देश के लिए सोना ला रही, देश को कई देशों में जाकर अपना नाम रोशन कर रही है, देश का तिरंगा झंडा का अपमान हो रहा है। ये किसी का अपमान नहीं, बेटियों का तिरंगे झंडे का अपमान हो रहा। रात को जो घटना हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री अभी तक कोई सुध नहीं लिए हैं? प्रधानमंत्री को बता तो रहा, शर्म आ जाए हो तो प्रधानमंत्री को आज बोल देना चाहिए, जो जिनके कंधे पर हाथ रख के आज मेरी बेटी पूरे देश की बेटी आज गोल्ड मेडल लेके आई, उनके साथ खाना खा के खुश होता, आज खाना खा के खुश नहीं हो रहा होगा? आज इन्हें बुला के नहीं खाना खा सकता? आज अगर शर्म हो तो प्रधानमंत्री को बुलावे और कहने लगे बेटी जो आपके साथ या जिसने करा उसे तुरंत जेल भेजेंगे। हो सकता है जिस तरीके से 13 महीने आंदोलन चला हमारा, जिस तरीके से हमारा 13 महीने आंदोलन चला, उसी तरीके से यहाँ टेंट लगाए जावे, जैसे हमारे बच्चों की खाट उठाई ना इन्होंने, आज हम इसी जगह पर उसी तरीके से जिस तरीके से बॉर्डर पर बैठे थे एसी लगा के टेंट लगा के यहीं बैठेंगे। पर सरकार को तो हम ये कहना चाहो उसको गिरफ्तार करो, कितना संगीन आरोप है, मैं तो वह शब्द अपने मुंह से नहीं कह सकता। बेटियों ने जो कहा है तो वो सबके सामने है, सरकार ने तुरंत एक्शन लेकर और उसको एक अपराधी का जो रास्ता जेल को जाता है उस जेल में उसको भेजना चाहिए, उस सांसद को। क्या मैं तो उसका नाम लेना नहीं चाहता, अपने नाम ने जुड़ती नहीं, ऐसे आदमी का नाम लेना भी है गुना भाई, इतना बड़ा पाप किया है, इतना बड़ा उसने किया। तो सरकार इससे ये है, देखो देश की भी किरकिरी हो रही, जो इन्होंने अपने शरीर को लोहा बनाया और दूसरे देशों में कड़ा संघर्ष करके इस देश के लिए सोना लेकर आए, प्रधानमंत्री जी ने इनको अपने गले लगाया था,
इनको मान सम्मान की बात करी थी, आज ये मिट्टी पे बिठा दिए, आंदोलन करने के मजबूर कर दिए, आज चुप क्यों है प्रधानमंत्री जी? मैं तो कहूँ उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस चीज़ को देखते हुए बेटियों के सम्मान के लिए, इसमें किरकिरी हो रही भाजपा की भी, दिल्ली की बहुत बड़ी किरकिरी हो रही पूरी दुनिया में, और इस किरकिरी के जिम्मेदार कौन है? ये देश की सरकार है। अब ये देखो कितने दिन ये खेल खेलती है। हम तैयार हैं, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, हम भी ट्रेनों से आए हैं, रास्ते में रोक रखा, थाने में बंद कर रखे। ये क्या करना चाहती है, क्या चाहती है सरकार, सोच क्या है इसकी? नहीं, वो देखिए, जो कल यहाँ जंतर मंतर पर घटना घटी है उसके लिए हम बड़ा इस सरकार के खिलाफ शेमफुल महसूस करते हैं कि जो खिलाड़ी बेचारे यहाँ पहलवान बैठे हैं, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन करने का काम किया, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाकर इस देश के तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया है, लेकिन इस सरकार की जो गलत नीतियाँ उसके कारण आज इनको यहाँ बैठना पड़ रहा है, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो पूरे देश के अंदर आज हर घर तक इस आंदोलन की गूंज हो चुकी है, और ये बड़ा उग्र रूप अगर इस सरकार ने इस गुंडा ब्रजभूषण शासन की, इसकी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं करी तो बड़ा आंदोलन का रूप होने जा रहा है, और घर घर तक ये आंदोलन जाएगा, हर गांव के अंदर मीटिंगें होंगी और उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक जो किया है, हम उसके हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि 6 दिन तक तो पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब FIR हमारी दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे, जो भी आदेश दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे, तुषार मेहता या पता नहीं, मुझे इतना एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द, दो लड़कियों के बयान अभी रह गए हैं, 161 के, 164 के बयान भी जल्दी से जल्दी करेंगे, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है। अगर कुछ जल्दी से जल्दी नहीं होता है तो हमारे पास हर रास्ता ओपन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकते हो, या आप मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हो, तो हम वहाँ पे बैठ सकते हैं अगर कार्रवाई जल्दी नहीं हुई तो। अगर दिल्ली पुलिस फिर भी अगर नहीं कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद भी, तो भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो हमारे पास हर ऑप्शन ओपन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो हमारा साथ दिया है, जितना वो दे सकते थे उन्होंने किया है, हम हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेंगे। आगे जो भी होगा प्रोसीडिंग में तो हम वो आपको बताते रहेंगे, अभी तक की हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। और मैं आपके माध्यम से कहाँ पे इंजर, जब हम झगड़ा ये चल रहा था तो फीमेल्स तो थी नहीं वहाँ पे, सिर्फ मेल्स थे। अगर इंजर्ड हुए हैं तो मेडिकल करवाया जाना चाहिए था उसी टाइम पे बताना चाहिए, जैसे हम लोग बता रहे थे कि अभी इंजरी हुई है, तो उसी टाइम पे क्यों नहीं बताया कि इंजरी हुई है? तो वो तो कहानियाँ बनाने वाली बात है अपनी चीज़ को ऊपर दिखाने के लिए। भाई दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण के लिए काम कर रही है, अभी तक हमारे फेवर में कोई भी काम नहीं कर रही है, तो दिल्ली पुलिस का ऐसा स्टेटमेंट देना, तो आप मेडिकल करवाते उसी टाइम पर जैसे हम बोल रहे थे, तो ये बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद बातें हैं जो दिल्ली पुलिस कर रही है हमारा नाम लेके। और जितने भी दिल्ली पुलिस ने हमारे जो समर्थन में जो लोग आ रहे थे, चाहे वो जितने भी लोग आ रहे थे, उनको डिटेन किया हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, क्योंकि क्रिमिनल नहीं हम, यहाँ पे हम अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, हम क्रिमिनल नहीं है। जो क्रिमिनल है उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, तो आप उनको डिटेन करके उनको जेल में डाल रहे हैं अभी। तो आपके माध्यम से मैं यही बोलूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए वहाँ से। अगर उनको कुछ भी होता है, अगर जो भी लोग दिल्ली पुलिस ने डिटेन किए हैं, अगर उनको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार भी दिल्ली पुलिस ही होगी, क्योंकि ऐसे लोगों को डिटेन करना, ठीक है आपने डिटेन कर लिया, आप व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो, हम उसका सम्मान करते हैं, हम भी हिंसक प्रदर्शन नहीं चाहते, हम भी एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं 11 दिन से, आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस आक्रामक होके अगर हमारे लोगों के साथ में कुछ भी करेगी तो उसका उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को लेनी पड़ेगी, और दिल्ली पुलिस ही उसकी जिम्मेदार होगी। देखिए अभिनेश ने बता दिया है वो कि भाई हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं, हम लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं,
तो वो जो हमारी लीगल टीम हमें, क्योंकि अभी एक सौ दिल्ली पुलिस की तरफ से जो वकील था उन्होंने बताया कि भाई हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम 164 के बयान करवाएंगे। जी धरना जारी रहेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। बात वही है, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। देखिए राजनीति, मैंने पहले भी हमें यही बोला था कि आप समर्थन करिए यार, राजनीति मत करिए। लेकिन कल जो हुआ कि भाई हम यहाँ पे समर्थन देने के लिए आइए, आप सभी का वेलकम है, क्योंकि ये भारतीय बेटियों की लड़ाई है। लेकिन अब हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं चाहते कि भाई एक पार्टी आके भाई हाँ हम इसको यहाँ पे पंचायत करेंगे। तो उसके लिए हम हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि हमारे जो खाप पंचायतों के जो प्रधान है, जो किसान संगठन है, जितने भी चाहे वो मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, महिला संगठन है, स्टूडेंटों का संगठन है, उनसे हम बात करके वो चीजें हम करेंगे। आप समर्थन के लिए आइए, आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे आने के लिए स्वागत है। लेकिन जो भी फैसला होगा हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, हमेशा वही लेती आई हैं। हर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पहला फैसला हमारा जो भी होता है हमारी खाप पंचायतें लेती हैं। जो भी वो फैसला लेंगी हम उनका पालन उनका करेंगे। बिल्कुल भी नहीं प्रोटेस्ट। हमें पता था कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में कितना, हर किसी के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि प्रोटेस्ट करने से उनके वो बदलेंगे। कानून बोलते ना अंधा होता है, तो कानून जज्बातों को नहीं देखता, कानून सही गलत का फैसला इतना जल्दी लेता तो हमारे देश में इतने केस पेंडिंग ही नहीं होते। कोर्ट कभी नहीं बोलता अरेस्ट करने के लिए, ये पुलिस के हाथ में होती है। पहले पूरे बयान होंगे, बयानों के बाद वो अरेस्ट होंगे पता चलेगा। तो ये मत सोचो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है तो हम निराश हो गए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं होता बोलना कि अरेस्ट करो। सुप्रीम कोर्ट का जो काम था उन्होंने वो कर दिया, FIR करवाई है उन्होंने, और बाकी का जो काम है वो पुलिस जब पूरा बयान लेगी उसके बाद प्रोसीडिंग होगा। तो मेन कहने का यही है कि धरना चालू रहेगा और डिमांड हमारी सेम रहेगी। मैडम जब तक जान है ना, जब तक हमारी हिम्मत बनी रहेगी। वो जब तक सांसें नहीं निकाल लेंगे ना, तब तक हिम्मत नहीं टूट सकती। हिम्मत जब तक रहेगी लड़ाई लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। ब्रजभूषण को जब तक अरेस्ट नहीं करवाया जाता तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। वो गलत है, वो हमने दिनेश नहीं हमारे नाम पे अभी मैं बताती हूँ आपकी, मैं बात समझ गई। जो लेटर है मैंने ट्विटर पे भी इसी चीज को डाला, हमने कोई ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा। अभी वही बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसा सामाजिक तत्व जो बिगाड़ना चाहते हैं माहौल को, जो हमारे थ्रू कुछ भी चीजें पेश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर कुछ भी जाएगा तो ऑफिशियली जाएगा, हमारे अकाउंट से जाएगा या हम मीडिया के थ्रू हम हमारे उससे बोले, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। कोई भी कुछ भी लिख के अगर कुछ भी कर देगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम कंप्लीटली उसको डिसएग्री करते हैं। देखिए जितने भी लोग समर्थन में आ रहे हैं, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ना ये गोला बारूद लेके आ रहे हैं, ना ये कोई दंगा करने आ रहे हैं। सिंपल सीधे लोगों को, जो हमारे जितने भी हमारे दादा चाचा ही, हमारे सभी दादा ही है, हम सब के छोटे बच्चे ही हम, तो वो हमारे समर्थन में आ रहे हैं, हमारा दर्द देख के वो आ रहे हैं, उनको डिटेन करना बहुत दुख की बात है। हम खिलाड़ी यहाँ पे दुखी हो रहे हैं, हमारे परिवार वाले उधर दुखी हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस को खुद पे शर्म करनी चाहिए कि जिस ब्रजभूषण को वो बचाने में लगे हुए हैं उसके ऊपर कार्रवाई ना करके हमारे लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं, हम पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो शर्म की बात होनी चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए। हम कड़ी निंदा करते हैं दिल्ली पुलिस की इस चीज के लिए। आपने
सबसे पहले तो धन्यवाद कि हमारी एक कॉल पे इतने आए, बाकी बहुत सारे बच्चे अखाड़ों को अभी भी रोका गया है, मतलब वेलकम कर रही है सब लोगों को, आप बोलिए सर। मैं यही कह रही थी कि बहुत सारे अखाड़ों को रोका गया, उसके बावजूद भी हमारे समर्थन में इतने आ पहुंचे हैं कैसे भी करके, और जो नहीं आ पाए वो भी हमारे समर्थन में है। सारे अखाड़े सबको रोका जा रहा है, बहुत सारे को जैसे कि हमने बताया डिटेन कर लिया है और अभी तक भी नहीं छोड़ा गया। मेरे पास फोन कॉल आ रहे हैं कि हमें अभी तक नहीं छोड़ा गया, तो मतलब टॉर्चर ही हुआ। रात को 1 बजे पकड़ा था और अभी भी शाम के कितने बज गए कि अभी तक नहीं छोड़ा जा रहा, तो टॉर्चर ही है ये एक तरीके का। ओलंपिक क्रिकेट से बड़ा मैं मानती हूँ कि ओलंपिक जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो है हमारे देश में, वो कहाँ किसके समर्थन में बैठे हैं। मैंने क्रिकेटर्स का क्यों बोला था, क्योंकि पूरा देश उनको ऐसे सराखों पे बिठा के रखता है, तभी तो हम बोलते ना ओलंपिक सपोर्ट को सपोर्ट करो, ओलंपिक स्पोर्ट्स जो है उसको आप प्रमोट करो, वो है असली हीरो ओलंपिक स्पोर्ट्स में। और कपिल देव जी क्रिकेट में बड़ा नाम नहीं है क्या, उन्होंने सपोर्ट किया है, वीरेंद्र सहवाग जी ने सपोर्ट किया है, जिनमें इंसानियत बची है, जिनमें ह्यूमिलिटी बची है, जो जिनकी आत्मा जिंदा है, जिनका जमीर जिंदा है, वो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं आज। कौन जी? देखिए हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, पहले भी बताया हमारी लड़ाई दीर्घकालीन से है, और मैं तो आपके जब मुख्यमंत्री जी ने बोला है तुम मान लो, आप भी आइए क्योंकि आप हमारे हरियाणा के मुखिया हैं, आप हमारे परिवार के सबसे बड़े आदमी हैं, आप आइए आप भी सपोर्ट करिए, क्योंकि ये भारतीय बेटियों का न्याय दिलाने का मामला है, तो आप क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? लास्ट टाइम जब कमेटी बन रही थी तब तो हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि हम बच्चियों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे, साथ में है। जैसे ये FIR हो गई तो अभी वो साथ कहाँ चला गया? बिल्कुल क्यों नहीं है उम्मीदें, हम हरियाणा से आ रहे हैं, हम जब हम मेडल जीत के आते हैं तब वो सम्मानित करते हैं, तब वो हमें मंच पे बुलाते हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारा गौरव है, ये बातें, तो वो गौरव आज सड़कों पे भटक रहा है तो वो गौरव दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो बिल्कुल हमारी डिमांड है कि हरियाणा के जो CM है उनको संज्ञान लेना चाहिए हमारे मामले पे। जी बिल्कुल, मैं जो बयान दिया हम अपने बयान पे कायम है।